आपको बोला। अच्छा छोड़ दी। अरे तो आप कितनी देर आते, 2 मिनट? अरे आप कितनी देर के लिए आते सर स्कूल में? तो हम चलते हैं और पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो डाल लिया जाए टॉपिक, टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ऐसा कभी हुआ नहीं दुनिया में कि केमिस्ट्री का पेपर हुआ हो और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन नहीं आया। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिस ये है कि जब हम एलिमेंट को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो एक सीरीज बन जाती है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ बना कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिस क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो डाल लो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का बेसिस क्या है, जिस बेसिस पर ये बनाई गई है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ बुक्स में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बेसिस पर भी सीरीज बनाई हुई है, पर वो मेरी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि सारे क्वेश्चंस रिडक्शन पोटेंशियल पर बेस्ड हो। अगर किसी क्वेश्चन में वैल्यू गिवन नहीं हो, इक्वेशन गिवन नहीं हो, तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की ही इक्वेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर हम ऑक्सीडेशन की वैल्यू ले लेते हैं तो उसका आंसर रिवर्ट आ जाता है। इसलिए आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश ना करें, रिडक्शन से करें। रिडक्शन पोटेंशियल होता क्या है कि हमारे पास एक मेटल आयन है ये, और उसने एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और मेटल में कन्वर्ट हो। इस प्रोसेस में जो एनर्जी चेंज हुई उसको हम रिडक्शन में जो एनर्जी बदली है, चेंज हुई है, उसको कहेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम यहां लिख देंगे ई रिडक्शन। हाइड्रोजन जो एलिमेंट है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जीरो माना हुआ है हाइड्रोजन का बाय कन्वेंशन, क्योंकि हम अकेले एलिमेंट की वैल्यू निकाल नहीं सकते, तो लोगों ने मिलकर हाइड्रोजन को जीरो मान लिया। अब अगर किसी की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, और अगर उसकी वैल्यू जीरो से कम है तो वो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रहे, ठीक है ना। हम यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट ये है कि जैसे कॉपर का रिडक्शन किया तो इसकी वैल्यू इतने वोल्ट आई, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है। ये बात मैंने डी ब्लॉक में भी सिखाई थी कि अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट स्टेबल हो, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो रिएक्टेंट स्टेबल होता है। इसका मींस क्या हुआ कि जिंक में तो जिंक आयन बनना चाहेगा और कॉपर कॉपर में रहना पसंद करेगा। तो जब हम जिंक और कॉपर प्लस टू की रिएक्शन कराएंगे तो जिंक प्लस टू में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर प्लस टू उन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कॉपर में बदल जाएगा, ठीक है ना। इससे हमें पता लगेगा कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव, ठीक है ना। yes. तो अगर हमारे पास E नॉट रिडक्शन है और इसकी वैल्यू अगर कम है तो मेटल ज्यादा रिएक्टिव, ठीक है ना। तो E नॉट रिडक्शन में और मेटल की रिएक्टिविटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन हो, जिस मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिएक्टिविटी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उस मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा हो, ठीक है ना। तो हमने यहां पर यह सीख लिया है कौन सा एलिमेंट ज्यादा होगा और कौन सा, और नॉन मेटल्स में उल्टा हो, नॉन मेटल्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्लियर।
तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे और पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि कुछ एलिमेंट है और ये एनसीईआरटी का या इसके जैसा पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। तो क्वेश्चन है ये कि कुछ मेटल्स हैं जिनको मैं चलो इससे ही लिख देता हूं, के की वैल्यू गिवन है 2.93, मैग्नीशियम की वैल्यू है 2.34 वोल्ट, ठीक है ना, माइनस आयरन की वैल्यू है -0.44 वोल्ट, कॉपर की वैल्यू है +0.34 वोल्ट और सिल्वर की वैल्यू है +0.80 वोल्ट। तो वो क्वेश्चन में कहता है इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल कौन सी है, पोटेशियम। तो फटाफट इस ऑर्डर को आप लिख लो। तो रिएक्टिविटी का फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव होगा सबसे, फिर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद में ये एजी नहीं एफपी और एफपी के बाद में एजी कॉपर सॉरी और कॉपर के बाद में एजी क्लियर। तो ये हमने देखा एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसी में देखेंगे एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन इसी में। तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन यही सॉल्व हो जाएगा। जो ई नॉट रिडक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉन कौन जल्दी देगा और ऑक्सीडाइजिंग का मतलब है कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है वो स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होता है और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव होती है वो ऑक्सीडाइजिंग। तो हमारे सामने जो मेटल गिवन है इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन ए? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम है क्योंकि इसकी वैल्यू 2.93 वोल्ट है और सबसे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एजी है, क्लियर। लेकिन एजी प्लस सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा। तो लिख लो फटाफट रिड्यूसिंग नेचर का आंसर। तो हमने जितना यहाँ पढ़ा है उससे एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा आगे और मैं आपको दिखाता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिसकी वैल्यू सबसे कम है वो लिथियम होता है। लिख बे सर का नाम, लिख बे सर का नाम लिख ले फटाफट बैठे क्यों। इसकी वैल्यू पूरी बुक में सबसे, आप इसको और ऐसे मत लिखना वर्टिकल लिखना, आप इसको हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल ऐसे लिखना। और फिर है मैम, मैम का मतलब है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीज, और फिर आगे आएगा जो क्राई फॉर न्यू समर पब्लिक हॉलिडे। हाइड्रोजन की वैल्यू बाई कन्वेंशन जीरो लिए, आपको वैल्यू रटनी नहीं है, गलती से याद हो जाए तो टेंशन नहीं, आपको रटनी नहीं है, गलती से याद हो जाए तो बहुत बढ़िया। और फिर भी मन करता है कि नहीं यार एक वैल्यू तो याद करूंगा ही करूंगा, तो जिंक की वैल्यू को याद कर ले। जिंक की वैल्यू को याद कर लेना क्योंकि जिंक की वैल्यू से ही आपके ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब हम चलते हैं हाइड्रोजन के नीचे, ये कंटिन्यू है नीचे। फिर है हमारा कॉपर,
ठीक है ना। कॉपर के बाद हमारा आता है आयोडीन, आयोडीन के बाद मरकरी, मरकरी के बाद एजी। यहां तक मोस्टली मेटल ही मेटल है, ठीक है ना। और फिर आता है हमारा एनओ थ्री, नाइट्रेट आयन, ठीक है। और फिर हमारा आता है कौन, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, Cr2O7। और Cr2O7 के बाद Cl2, Cl2 के बाद MnO4, और MnO4 के बाद कौन, गोल्ड। और गोल्ड के बाद कौन, H2O2। और H2O2 के बाद में F2। इसकी वैल्यू 2.87 है, और सबसे ज्यादा वैल्यू है H4XCO6 की, प्लस 3.0। मोस्टली ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये कॉम्पिटिटिव के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप बिल्कुल ढक्कन हो, सर ये सीरीज ऐसे कैसे ब्रेक, यानी सबसे हाईएस्ट ये है, सबसे लोएस्ट ये है -3.05 और सबसे हाईएस्ट 3.0। तो यानी सीओ से प्लस में चल रहा है, बिल्कुल एच के जीरो सीओ से, बिल्कुल बिल्कुल। ये डायक्रोमेट जो है उसकी वैल्यू 1.23 है, MnO4 की वैल्यू 1.51 वोल्ट है, जो मैंने लास्ट वीडियो डी ब्लॉक की बनाई थी उसमें ये वैल्यू लिखी थी सर। और Cl2 की वैल्यू 1.35 है, 1.35 है। और गोल्ड की वैल्यू 1.52 है, तो आप ये सीरीज को बना लो। ऐसा कोई पेपर एमसीक्यू नहीं आएगा जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। और अगर आपको ये नहीं आता तो आप ही सोच लो, आपका एक क्वेश्चन खत्म। करें शुरू सर, यानी ये -3.05 और +3.05 से ज्यादा किसी की नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की, इससे ज्यादा वैल्यू नॉन वैल्यू सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की हो सकती दोनों तरफ। मतलब इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो सकती। करें शुरू। पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि जो लिथियम है और जो एल्यूमिनियम है, ये सारे कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं। इन एलिमेंट को अगर हम ठंडे पानी में डाल दें तो ये उससे रिएक्ट कर जाते हैं। तो इसका एमसीक्यू क्वेश्चन ये बनता है, किस मेटल को एक्वस सॉल्यूशन में एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो लिथियम से लेकर एल्यूमिनियम कोल्ड में होते हैं ना, हॉट होते हैं, एक्वस में ही ये रिएक्ट कर जाते हैं, तो हॉट में तो रिएक्ट कर ही जाएंगे। अच्छा ठीक है। ये दो एलिमेंट है आयरन तक वाले, ये स्टीम के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं। तो स्टीम के साथ जब रिएक्ट कर रहे हैं तो ये कोल्ड के साथ नहीं करेंगे। और जो कोल्ड वाटर वाले हैं भैया, वो जब कोल्ड के साथ ही रिएक्ट कर रहे हैं तो स्टीम के साथ तो रिएक्ट करेंगे, कर ही जाएंगे, करेंगे ही करेंगे। ठीक है, पक्की बात। अब ये जो स्टीम के साथ करेंगे, हॉट वाटर के साथ करेंगे, हाँ ठीक है। अब लिथियम से लेकर लेड तक के एलिमेंट, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड से H2 रिमूव करेंगे। और ये तीनों ही क्वेश्चन 10th क्लास के लेवल के, 10th क्लास में तीनों ही क्वेश्चन आते हैं। पर जो 10th क्लास के बच्चे अगर गलती से ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए रिकमेंडेड ये है कि आप इन सबके चक्कर में मत पड़ें।
आप सिर्फ इतना ही याद रखना है H2 कॉपर HG और AG, ये तीन एलिमेंट हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव, और दिल करता है तो गोल्ड और याद कर, इसके अलावा सारे एलिमेंट हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। आपका काम इन चार से ही चल जाए, क्लियर। तो अब वो पूछेगा आपसे कौन सा एलिमेंट डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, तो लेट तक कोई भी हो सकता। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो मैग्नीशियम और मैंगनीज है वो 0.1% 0.1% या 1% HNO3 में से भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकते, 1% HNO3 में से, HNO3 में से 1% HNO3 ले लिया, मतलब उसमें 99 ml वाटर है, 1 ml HNO3 है, तो उसमें से भी ये दो एलिमेंट हाइड्रोजन लिबरेट कर सकते। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन 1% HNO3 में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते, ये 10th क्लास के 2002 बोर्ड के पेपर में आया था। हम अब आगे चलते हैं और क्या देखते हैं, ध्यान से देख, लिथियम से लेकर और नीचे तक कहां तक बोल्ट तक मेटल की रिएक्टिविटी कम होती, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ रही है, और हम पहले ही शुरू में ही हमने पढ़ा था ई नॉट मेटल की रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। यहां पे लिख डालो लाइन बैठे क्यों, लिथियम टू गोल्ड मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, गोल्ड हियर अ गोल्ड, या आप रिडक्शन पोटेंशियल से भी रिएक्टिविटी देख सकते। यहां पर हम कंसेप्ट लिखेंगे और वो ये है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है ना। तो जो मोर रिएक्टिव मेटल है डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, इसके क्वेश्चन 10th क्लास से लेकर या 9th क्लास से लेकर और नेट तक के एग्जाम में या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम तक आते हैं। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन बनते। पहला क्वेश्चन ZnSO4 और कॉपर में क्या रिएक्शन हो सकती है, नहीं, क्योंकि कॉपर जिंक से लेस रिएक्टिव है, क्योंकि कॉपर ये रहा और जिंक वो रहा, तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो कॉपर के कंटेनर में जिंक सल्फेट रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि क्या कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में रखा जा सकता है, नहीं, कॉपर सल्फेट को जिंक के कंटेनर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि कॉपर को जिंक भगा देगा, जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो ZnSO4 और प्लस कॉपर बन जाए। तो अगर हमने जिंक के कंटेनर में कॉपर सल्फेट रख दिया तो कुछ दिनों बाद कॉपर के कंटेनर में छेद हो जाएंगे, कॉपर के कंटेनर में छेद हो जाएंगे, क्योंकि जिंक कॉपर को हटा दे। तो हम देखते हैं क्या सिल्वर कॉपर में कॉपर नाइट्रेट में एजी रखा जा सकता है, कॉपर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में एजी को रखा जा सकता है, हाँ रखा जा सकता है, क्योंकि एजी कॉपर नाइट्रेट से लेस रेट, कॉपी कर
ठीक है। तो हम चलते हैं आगे और इसके देखते हैं कुछ और यूज। अगला यूज ये है कि आयरन से लेकर और कॉपर तक के ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से, ठीक है ना, एफिटो कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस बाय एच। ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस से रिड्यूस हो जाएगा। तो जो ऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगा हाइड्रोजन से वो होगा आयरन टू कॉपर। एफ और कॉपर भी देंगे, एफ से कॉपर तक पूरा सब क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो। अगला क्वेश्चन ये है कि हम अगर कोई सेल बनाते हैं तो वो सेल में एनोड किसका होगा और कैथोड किसका होगा। तो अब इसको जानने के दो तरीके, मोर रिएक्टिव मेटल या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो उसका एनोड बना, ठीक है ना। तो लिख लो भैया, एनोड का मतलब है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में है, एनोड किसका बनाएंगे जिसका ई रिडक्शन लेस और मोर रिएक्टिव। तो अब कॉमन सेंस की बात है, कैथोड किसका बनाया जाएगा जिसका ई रिडक्शन मोर हो और लेस रिएक्टिव। क्लियर, मतलब हम एक सेल की फैक्ट्री बनाना चाहते हैं पेंसिल सेल की, और हमारे पास दो मेटल हैं जिंक और कॉपर। तो बताओ इसमें से किस मेटल को एज ए एनोड यूज किया जाएगा। तो जिंक का तो एनोड बनाया जाएगा और कॉपर आयन का कैथोड बनाया जाएगा। लिख डाल, जिंक का एनोड और कॉपर का कैथोड बनाया जाए। अब उस सेल का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, उस सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई नॉट कैथोड में से ई नॉट एनोड को सब्ट्रैक्ट कर, ठीक है। तो हमें पता है जिंक की वैल्यू कितनी है, नेगेटिव 76.76, और कॉपर की वैल्यू कितनी होती है, 0.34। क्योंकि हमने जिंक और कॉपर के सेल में कॉपर का कैथोड बनाया है, तो 0.34 माइनस माइनस 0.76 इज इक्वल टू 1.10। ये इसका पोटेंशियल बताए। यहां पे इंपॉर्टेंट बात ये है, क्या है इंपॉर्टेंट बात, कि क्या ई नॉट सेल कितना है इसका। अगर हम इस कॉपर आयन का कंसंट्रेशन 3 गुना कर दें, तो ये ई नॉट सेल कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। ई नॉट सेल पर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्टोइकोमेट्री का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, क्लियर। हम चलेंगे आगे, तो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम देखें। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि जिंक और कॉपर सल्फेट या कॉपर टू की रिएक्शन कराई, तो जिंक प्लस टू और कॉपर बन गया, और इसका ई नॉट है 1.10। ठीक है, अगर हम ये टू जिंक ले ले, ये टू कॉपर प्लस टू ले ले, तो बताओ इसका ई नॉट कितना हो,
तो कुछ बच्चे कहेंगे डबल हो जाएगा। अभी अभी दो मिनट भी नहीं हुए जब बताया था कि ई नॉट सेल ना तो स्टोइकोमेट्री पर, ना कॉन्सेंट्रेशन पर, ना टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका ई नॉट भी भैया इतने ही बोल्ट हो, इतने ही बोल्ट हो। यहीं पे हम एक क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहिए और वो क्वेश्चन इस पर बेस्ड जी नॉट और ई नॉट में ये रिलेशन होता है। जी नॉट हमने 11th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी होगी, तो थर्मोडायनेमिक्स में ये रिलेशन, तो जी नॉट और ई नॉट में ये रिलेशन होता है। क्या जी नॉट भी डिपेंड नहीं करता? जी नॉट डिपेंड करता है पर ई नॉट नहीं करता है। लिख लो कहीं पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंटेक्स क्वेश्चन तो कहीं नहीं दिया, थ्योरी में गिवन। अब कोई बच्चा कहेगा क्यों, तो देखो ध्यान से, इस वाली रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो टू होंगे, तो फर्स्ट वाले के लिए ये टू हो जाएगा, एफ की वैल्यू 96500 और ई नॉट कितना हो जाएगा। लेकिन दूसरे वाले के लिए इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होगा, चार होगा। तो जब दूसरे वाले के लिए जी नॉट निकालेंगे तो एन की जगह पर क्लियर, कोई डाउट फटाफट लिख। तो इन दोनों रिएक्शन के लिए ई नॉट सेम होगा, जी नॉट अलग अलग होगा। तो भैया कहीं पे लिख लेना, जी नॉट स्टोइकोमेट्री पर डिपेंड करता है, जी नॉट स्टोइकोमेट्री पर डिपेंड करता है, पर ई नॉट स्टोइकोमेट्री पर, कॉन्सेंट्रेशन पर, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, हम यहीं पर एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले, वो क्वेश्चन 12th के पेपरों के लिए हार्ड है और कॉम्पिटिटिव के पेपर के लिए जरूरी। क्वेश्चन क्या है हम देखते, Fe प्लस टू Fe में कन्वर्ट हुआ और इसकी वैल्यू इतने वोल्ट, और Fe प्लस थ्री Fe में कन्वर्ट हुआ इसकी वैल्यू इतने वोल्ट। क्लियर, तो Fe प्लस थ्री से Fe प्लस टू की वैल्यू क्या हो। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ई नॉट को ऐड कर देते हैं। ई नॉट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी नहीं है, इसको हम डायरेक्ट ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, पहले इसको जी नॉट में बदलना जरूरी। अब जी नॉट और ई नॉट में क्या रिलेशन होता है, थोड़ी देर पहले ही बताया, पर यहां पर जी नॉट को बदलने से बढ़िया है आप पहले जी नॉट को ही फॉर्मूला बेस बना लो। तो देखना मैं बनाता हूं, तो जी नॉट थ्री इसका इज इक्वल टू जी नॉट वन प्लस जी नॉट टू एन थ्री एफ ई नॉट थ्री, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एन वन F E नॉट वन, ठीक है ना, प्लस माइनस N2 F E नॉट टू। मैंने यहां से माइनस F कॉमन ले लिया, माइनस F कॉमन लेके उड़ा दिया, तो ये क्या रह जाएगा, ठीक है ना, यहां पे कॉमन लिया है माइनस F, तो N1 E नॉट वन N2 और E नॉट टू बची,
ठीक है, और माइनस एन थ्री एफ ए नॉट थ्री, ये माइनस एफ कट, तो फाइनली फॉर्मूला आ गया ए नॉट थ्री एन वन ई वन एन टू ए नॉट टू अपॉन एन वन एन थ्री। इससे क्वेश्चन करना आपके लिए कंपैरेटिवली आसान है, बजाय आप यहां पर जी नॉट कन्वर्ट कर, क्लियर। आगे बढ़े तो हम चलते हैं आगे, अब ध्यान से देखना, हमारी टारगेट इक्वेशन यह है, तो हम देखेंगे क्या Fe प्लस थ्री किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में है क्या, Fe प्लस थ्री रिएक्टेंट साइड में, ये रहा। तो इसकी वैल्यू एज इट इज यूज हो। अब हमें Fe प्लस टू प्रोडक्ट साइड में चाहिए, क्या प्लस टू प्रोडक्ट साइड में है, नहीं, तो ये जो E नॉट की वैल्यू है ये रिवर्ट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएगी। शुरू करें तो देखो, मुझको Fe प्लस थ्री इसको मैंने टू माना है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, ये E नॉट टू है और ये E नॉट वन, वैल्यू पुट करो यस सर एन वन, तो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो, दो, तो मैंने यहां पर टू लिख लिए, E नॉट कितना है, प्लस फोर, लेकिन हमें ये इधर चाहिए और ये यहां दिया है, तो इस नेगेटिव साइन को प्लस बना दे, क्लियर। अब मुझे Fe प्लस थ्री रिएक्टेंट साइड में चाहिए और यहाँ रिएक्टेंट साइड में ही दिया हुआ है, तो थोड़ा स्पेस क्रिएट करते हैं, टू इंटू, तो ये जो माइनस वैल्यू थी वो प्लस हो जाएगी, नहीं हो गया ना, तो लिख दिया ना आपने जीरो पॉइंट लिखो, और इनटू कितने इलेक्ट्रॉन इसमें, थ्री, और जिस इक्वेशन के लिए ई नॉट निकालना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, वन, वन, सबको ऐड कर दो, ई नॉट थ्री आपके सामने एट जो हो जाएगा 100 वोल्ट। इस तरह ये क्वेश्चन करना बेहद आसान है बजाय किसी और किसी तरीके से करने के। क्लियर है, यहीं पे मैं एक क्वेश्चन और ये करके दिखा देता, क्वेश्चन ये है कि कॉपर प्लस और कॉपर प्लस का डिस्प्रोपोर्शनेशन हो गया, तो ये तो क्या हो गया और ये क्या हो गया, ठीक है, तो इसको तो ये तो क्या बन गया एनोड और ये क्या बन गया कैथ, ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉपर प्लस टू और कॉपर की वैल्यू 0.34 वोल्ट है, कॉपी मारो भैया, गिवन है, हाँ, कॉपर, मैं एक बार वापस देख लेता हूं, ठीक है, और कॉपर प्लस से कॉपर की वैल्यू
ये निकालना है, फाइंड करना है। ये है हमारी वैल्यू 0.14 वोल्ट। अबे फाइंडिंग कर। अब वो कहता है इसका सेल पोटेंशियल निकाल। सेल पोटेंशियल, हाँ आपको टेंशन नहीं करनी, पहले लिखना कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल। अब तुम्हें ध्यान से देखना, E नॉट सेल निकालने के लिए, E नॉट कैथोड में से E नॉट एनोड को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। हमने देखा यहाँ पर कैथोड ये है, ठीक है ना। कैथोड क्या है, कॉपर प्लस से कॉपर बन गया, माइनस एनोड क्या है, कॉपर प्लस से कॉपर प्लस टू बन। पर हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें इस वाली की वैल्यू तो गिवन है, 0.14 वैल्यू तो गिवन है, लेकिन इसकी वैल्यू ही नहीं है। तो हमें इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से इसकी वैल्यू निकालनी पड़े। तो हमें जिसकी वैल्यू चाहिए वो कौन है, और इसका E3 निकालना है। तो मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अब शुरू करते हैं कहानी। हमें कॉपर प्लस चाहिए प्रोडक्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में, यहां दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू को हम एज इट इज लिख लेंगे 0.14, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, प्लस। अब हमें कॉपर प्लस टू चाहिए किस साइड में, रिएक्टेंट साइड में, पर यहां कहां दिया है, सॉरी प्रोडक्ट में चाहिए रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में चाहिए रिएक्टेंट में है। तो बताओ इस साइन का क्या करें, उल्टा माइनस हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व है, तो 2 × −, और जिस इक्वेशन के लिए चाहिए उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 1, तो 1 से डिवाइड कर। तो क्या आप बता सकते हो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.14 − 0.6 हो जाएगी 0.54 वोल्ट, ठीक है ना। तो ये हो गई 0.54 वोल्ट, माइनस या प्लस, सर हो जाएगी माइनस, माइनस मतलब हमें इस वाले का पोटेंशियल मिल गया −0.4। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो दोनों को ऐड कर दे, कितना आंसर आ जाएगा, 0.64। तो 0.68। इस तरह हम इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करने वाले हैं अब नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। हमने जो शुरू में पढ़ा था वो 10th क्लास के काम आएगा, 11th में भी काम आएगा, 12th में भी काम आएगा। फिर अभी जो ये पढ़ा वो सिर्फ 12th में काम आएगा, 11th में बहुत कम काम आएगा। 11th के रिडॉक्स रिएक्शन में ये पार्ट टच किया हुआ है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो 11th और 12th दोनों में ही काम आए, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मींस होता है इलेक्ट्रिक से किसी कंपाउंड को ब्रेक कर। इलेक्ट्रो का मींस इलेक्ट्रिक और लिसिस का मींस तोड़ना या ब्रेक कर, ठीक है ना। जब हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो आयंस में डिसोसिएटेड हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते,
एक एनोड होता है और दूसरे का नाम कैथोड। यहाँ बच्चों को भारी कंफ्यूजन होता है कि एनोड पे कैसा चार्ज होता है और कैथोड पे कैसा चार्ज होता है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। आप किसी भी एक को ही याद करना, दोनों को कभी भी भूलकर याद मत कर। अगर आपने दोनों याद किए तो आप जीवन भर कंफ्यूजन में ही रहोगे कि पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ये बिल्कुल रिवर्ट होता है। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम आपको बता देते हैं कि एनायन हमेशा एनोड पे जाता, तो ये तभी जाएगा जब एनोड पे पॉजिटिव चार्ज, और जो कैटायन होता है वो पॉजिटिव होता है इसलिए कैथोड पर डिपोजिट। तो लिख डालो एनायन एनोड पर डिपोजिट होगा और कैटायन कैथोड पर डिपोजिट होगा। अब प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, कैथोड और एनोड पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे, ठीक है ना, इसके कुछ रूल्स और रेगुलेशन। तो हम पढ़ते हैं उन रूल्स और रेगुलेशन। पहला रूल, रूल नंबर वन, इफ रिएक्टिव इलेक्ट्रोड, और जनरली रिएक्टिव इलेक्ट्रोड एजी कॉपर या मरकरी के होते, ठीक है ना, लिखा कभी नहीं होगा कि ये रिएक्टिव। अगर ग्रेफाइट और प्लेटिनियम दिया है तो अनरिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, और अगर सिल्वर कॉपर इलेक्ट्रोड दिया है तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो एनोड पर ये रिएक्शन हो गया, मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और कैथोड पर उसी मेटल आयन का रिडक्शन हो। अगर एजी हुआ तो ये बन जाएगा और इधर एजी इसमें कन्वर्ट, और जनरली ये रिएक्शन या ऐसी रिएक्शन मेटल के प्योरिफिकेशन में होती। अभी 10th क्लास के पेपर में आया सिल्वर कहाँ डिपॉजिट होगा, सिल्वर कहाँ डिपॉजिट होगा, कैथोड पर, या प्योर मेटल हमेशा ही कैथोड पर डिपॉजिट होती है और एनोड हमेशा इम्प्योर मेटल का ही बनाया जाता है। मेटल के प्योरिफिकेशन में एनोड इम्प्योर मेटल का बनता है और कैथोड पर प्योर मेटल, कैथोड प्योर मेटल से ही बनाया जाएगा और प्योर मेटल ही डिपॉजिट हो। क्लियर। रूल नंबर दो, आयंस डिपॉजिट फर्स्ट which present in more amount, which present in more amount, वो आयन पहले डिपॉजिट होगा जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। जबकि बच्चों को मोस्टली ये पता होता है कि जो लेस रिएक्टिव होता है वो पहले डिपॉजिट होता है, पर नहीं, हम देखेंगे इसका एग्जाम्पल। जैसे जिंक प्लस टू 1 mm है और कॉपर प्लस टू ये तो 5 mm है और ये 1 mm। अब ये तो लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव है, तो अगर बच्चे को ये रूल पता ही नहीं है तो वो कॉपर को पहले डिपॉजिट कर देगा, पर नहीं, पहले जिंक डिपॉजिट होगा क्योंकि जिंक की कॉन्सेंट्रेशन मात्रा अधिक है।
जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो पहले डिपॉजिट होता है, चाहे उसकी रिएक्टिविटी सीरीज में कोई भी पोजीशन रही हो, तब रिएक्टिविटी सीरीज को फॉलो नहीं करते हैं। अब जो रूल है वो तब अप्लाइड होंगे जब कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, तो ठीक है ना, इफ कॉन्सेंट्रेशन सेम तब रूल नंबर थ्री। और रूल नंबर थ्री कैटायन के लिए, ठीक है ना, लेस रिएक्टिव या कम सक्रिय, लेस रिएक्टिव कैटायन, ठीक है ना, और ठीक है ना, जिसका ई नॉट रिडक्शन मोर हो, कैथोड पर पहले डिपॉजिट हो, वो कैटायन पहले डिपॉजिट होगा जो लेस रिएक्टिव हो, या जिसका, फर्स्ट वन कैथोड, कैथोड हाँ होगा। कैटायन कैथोड पे ही जाता है। अब कैथोड पर कौन सा पहले जाएगा, जिसका ई नॉट रिडक्शन जिसका ई नॉट रिडक्शन ज्यादा हो या रिएक्टिविटी कम हो। कम। एग्जाम्पल में हम पढ़ रहे हैं यहां पर, ये Mg+2 -2.34, Cu+2 0.34, Ag+0.80। तो बताओ इनमें से कौन पहले डिपॉजिट हो। एजी Ag पहले डिपॉजिट हो जाएगा। क्यों डिपॉजिट होगा, क्योंकि Ag की वैल्यू 0.80 होती है, कॉपर की वैल्यू 0.34 होती है, और मैग्नीशियम की वैल्यू है -2.34। तो सबसे पहले एजी डिपॉजिट होगा, फिर कॉपर, फिर मैग्नीशियम। रूल नंबर तीन का एक नोट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बोलो, लिखो। एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम, एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम कभी भी कैथोड पर एक्वस सॉल्यूशन में डिपॉजिट नहीं होंगे। क्या एस ब्लॉक एलिमेंट और एल्यूमिनियम एक्वस सॉल्यूशन में कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होंगे। हिंदी में ही लिखना, इंग्लिश नहीं, क्यों? हम बता रहे ना इसलिए। चलो एस एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम एक्वस सॉल्यूशन में कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होंगे, ने कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होंगे, पर डिपॉजिट नहीं होंगे होंगे नहीं। अगर आ जाए तो। लिखो हिंदी में, अगर आ जाए तो, जैसे सोडियम आ गया तो अब हमें पता है डिपॉजिट नहीं होगा, तो अगर ये आ गया तो ये रिएक्शन कराएंगे, मेटल का तो हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगा। हाँ, तो अगर इनमें से कोई आ जाए तो मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बना दो और हाइड्रोजन गैस को रिमूव कर। क्लियर, आगे बढ़े। अब एनायन के रोल लिखो, रोल नंबर चार, हाँ ठीक है ना, वो एनायन पहले डिपॉजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम। वो एनायन पहले डिपॉजिट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जबकि कैटायन में ज्यादा होता है वो पहले डिपॉजिट। अब इसमें नोट डालो, एनायन का नोट है ये, और भैया ये नोट ही काम आएंगे
बाकी ये कंसेप्ट एग्जाम में काम नहीं आने वाले। लिखो सल्फेट नाइट्रेट, सल्फेट और नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन में डिपॉजिट नहीं होंगे, एक्वस सॉल्यूशन में डिपॉजिट नहीं होंगे अगर आ जाए तो, अगर आ जाए तो, अगर आ गए तो क्या करोगे, अगर आ जाए तो H2 या OH को ऑक्सीडाइज करके O2 निकाल दो तो ये वाली रिएक्शन करानी पड़ेगी, ठीक है ना, O2 गैस बन जाएगी, ठीक है, हाफ O2 बनेगी यहां पर क्योंकि एक और 2H+ दो है, या OH- से भी यही प्रोडक्ट बने, हाफ O2 प्लस H+ एक, दोनों में से कोई भी इक्वेशन सही है। कॉम्पिटिटिव में आपको लिखनी नहीं है तो वो देगा और ट्वेल्थ में आपको लिखनी पड़ेगी तो दोनों में से कोई भी लिख सकते, ये हमारे रूल है। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट इफेक्टिवली बनाना चाहते हो तो आपको ये याद होना ही चाहिए जो मैंने रूल लिखाए हैं। तो हम शुरू करते हैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर आखिरी, ठीक है, तो पहला है कॉपर सल्फेट विद पीटी प्लैटिनियम इलेक्ट्रोड। अब प्लैटिनियम कैसा इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है, रूल नंबर वन नहीं लगेगा, रूल नंबर वन कॉन्सेंट्रेशन की कोई बात ही नहीं कर रहा इसलिए रूल नंबर दो भी नहीं लगेगा। अरे शुरू, तो देखो कॉपर सल्फेट एक्वस को मैंने डिकम्पोज किया, प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड ले कॉपर प्लस टू और सल्फेट बन। सबसे पहले चलते हैं कैथोड की तरफ, कॉपर है, क्या कोई कॉपर का नोट है क्या, या कैटायन का नोट देखो, नोट नंबर एक कि एस ब्लॉक और एल्यूमिनियम कैथोड पर डिपॉजिट नहीं होते हैं, अगर आ जाए तो मेटल का हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस निकाल दो, ये नोट यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि एस ब्लॉक का नहीं है। सिंपल कॉपर प्लस टू दो इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में कन्वर्ट। अब चलते हैं एनोड पर, एनोड पे कौन जाएगा, सल्फेट, क्या सल्फेट का कोई नोट शोट याद है, सल्फेट का नोट यह है कि सल्फेट और नाइट्रेट एनोड पर डिपॉजिट नहीं होते हैं अगर आ जाए तो ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, क्लियर। अब देखो एनोड पर क्या बन गई, H+ और H+ का मतलब होता है एसिड, क्या होता है एसिड, तो एनोड की पीएच कम या ज्यादा, कम, एनोड की पीएच कम हो जाएगी, एनोड की पीएच कम हो जाएगी, क्लियर, कोई डाउट। अब हम कॉपर सल्फेट को फिर से करते हैं, कॉपर सल्फेट विद, इस क्वेश्चन में वैसे इक्वेशन ही लिखनी है, लिखनी है बस इक्वेशन ही लिखनी है, और ये कहानी नहीं लिखनी है, कहानी लिखोगे तो वैसे काट देगा वो। कॉपर सल्फेट विद कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, यस सर, रूल नंबर एक लगेगा, यस सर, रूल नंबर एक कहता है एनोड पर मेटल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यस सर, और कैथोड पर रिडक्शन, उस मेटल आयन का रिडक्शन हो जाए, ये रिएक्शन हम मेटलर्जी में करते हैं, दसवीं क्लास का क्वेश्चन है आजकल, क्योंकि आप ट्वेल्थ से मेटलर्जी हटा दी है हमने, इम्प्योर
हमने प्योर कॉपर का एनोड बनाया और प्योर कॉपर का कैथोड बनाया और इलेक्ट्रोलाइट भरा कॉपर से। कई बच्चे यहाँ पर कॉपर क्लोराइड भी लिख देते हैं जो सही नहीं है, कॉपर सल्फेट ही यूज होता है। अब ध्यान से सुनना, ये जो कॉपर प्लस टू है वो कहाँ डिपॉजिट होगा, तो ये जाकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड पर और एनोड से एक कॉपर आयन वापस आ जाए, मतलब फिर से कॉपर सल्फेट बन, फिर एक कॉपर जाएगा, फिर यहां से एक कॉपर आ जाए। धीमे धीमे कॉपर की रॉड पतली हो जाएगी एनोड और कैथोड मोटा होता चला जाए, एंड में एनोड गायब हो जाएगा क्योंकि सारा प्योर कॉपर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाए। पर जब कॉपर की मेटलर्जी करते हैं तो यहां पर कुछ गंदगी बैठ जाती है जिसको एनोड मड कहते हैं। इस एनोड मड को आप रखोगे या फेंक दोगे? तो एक बच्चा कहता है मैं इसे फेंक दूंगा, तो देखते हैं क्या वो बच्चा फेंक पाएगा। इसमें होता है सोना, चांदी और प्लेटिनम। भारत में सबसे ज्यादा गोल्ड कॉपर की मेटलर्जी में निकलता है जो राजस्थान से होता है, ठीक है ना। वेदांत ग्रुप की जो हिंद जिंक है उसमें सबसे ज्यादा गोल्ड एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। क्लियर? कॉपी मार बिल्कुल सेम प्रॉब्लम AgNO3 की होगी, सेम प्रॉब्लम आप AgNO3 के साथ में कर सकते हैं, AgNO3 विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड, ठीक है ना। तो यहां पे तो क्या आ जाएगा, यहां पर Ag बनेगा और यहां पर नाइट्रेट बनेगा। Ag जाएगा और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। याद करो नोट नंबर 3 जो कैथोड के कैटायन के लिए था, नाइट्रेट कभी भी एनोड पर डिपॉजिट एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा। अगर NO3 आ जाए तो वाटर का ऑक्सीडेशन करके O2 निकाल दो, कैथोड की एनोड की पीएच कम हो जाएगी। लेकिन अगर हमने AgNO3 को Ag इलेक्ट्रोड के साथ में रिएक्शन कराई तो एनोड पे क्या होगा, Ag Ag प्लस में बदल जाएगा और कैथोड पर Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेकर Ag में बदल जाएगा। और इसमें हम करेंगे तो इम्प्योर Ag का क्या बना लेंगे, एनोड, और इम्प्योर कॉप्योर Ag का क्या बना लेंगे, और इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो अगर आपने इलेक्ट्रोलाइट 10th क्लास में पूछा जाता है सिल्वर की मेटलर्जी में इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा, AgNO3, अगर आपने Ag2SO4 लिख दिया है तो टीचर काटेगा, ठीक है। हम आगे चलते हैं और देखते हैं अगली प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम हमारी ये है H2SO विद प्लेटिनियम इलेक्ट्रो। H2SO4 को तोड़ेंगे तो 2H प्लस और क्या बन जाएगा, SO। बताओ भैया कैथोड पर कौन जाएगा, कैटायन। हाइड्रोजन का कोई नोट सोट है क्या, हाइड्रोजन का नहीं है, हाइड्रोजन का कोई नोट नहीं है। नोट नंबर 3
या नो रूल नंबर तीन के साथ नोट लिखा है और रूल नंबर चार के साथ नोट लिखा है, दोनों नोट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ठीक है, तो कैथोड पे तो ये हो गया। अब बताओ कोई सल्फेट का नोट शॉर्ट याद है क्या? सल्फेट का है ना, क्या कुछ नहीं होता सल्फेट एनोड पर ऑक्सीडाइज नहीं होता है, अगर आ जाए तो H2O ऑक्सीजन निकल जाएगी। कॉपी कर डालो, और आज की आखिरी प्रॉब्लम, अगर हम Na2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ कराए तो वो हमसे पूछेगा बताओ एनोड पर और कैथोड के प्रोडक्ट क्या। अगर हम Na2SO4 की प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के साथ में इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो कैथोड और एनोड या एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट क्या होंगे, तो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे कैसे करते हैं पहले वो ध्यान से देख ले। करूं अब ध्यान से देखना, कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे कैसे करते हैं। देखो ये एनोड पर जाए, यस सर, कोई नोट है एनोड किसका सल्फेट का, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, अगर आ जाए तो H2O का। तो देखो कैथोड का कोई नोट है क्या, कैथोड का है ना, एस ब्लॉक ये ऊपर ही लिखा हुआ पड़ा है अभी तक, तो फटाफट ये कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे का। कॉम्पिटिटिव वाले के बच्चे की जिंदगी में तो रोशनी तभी आएगी जब वो दो नोट याद हो। और अगर हम 12th क्लास में हैं तो ऐसे मरी हुई स्टाइल में क्वेश्चन कैथोड पर कौन जाएगा, सोडियम वाटर से रिएक्ट करेगा, NaOH बनाएगा, NaOH और H2 बनाएगा, जबकि एनोड पर H2O या OH, O2 प्लस H प्लस दे दे। क्लियर, यहां पर आपके ज्ञान वर्धन के लिए बताता हूं दो बार, अगर हम इनकी इलेक्ट्रोलिसिस करें दोनों की, ये 12th में आने के चांस नहीं है, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो कैथोड और एनोड दोनों पर ही हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। पोटेशियम फॉर्मेट ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है और ये एस ब्लॉक का क्वेश्चन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नेगेटिव है इसलिए ये एनोड पर जाएगी और कैल्शियम कैथोड पर डिपॉजिट होती नहीं क्योंकि एस ब्लॉक की है, तो जब ये आ जाएगा तो मेटल का और हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ये कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस है, ये कैथोड पर जाएगा तो क्या रिलीज करेगा, और HCO से भी हाइड्रोजन एनोड पर निकलेगी। तो अगर आप डायरेक्ट भी याद कर लोगे कि पोटेशियम फॉर्मेट और कैल्शियम हाइड्राइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने पर हाइड्रोजन कैथोड और एनोड दोनों पर रिलीज होती है तो भी आपके जीवन में लाइट आ जाएगी। तो अगर लाइट चाहते हो तो इसको याद कर ले। ये सारे कोर्स आपको गूगल प्ले स्टोर पर किंग केमिस्ट्री के ऐप पर भी मिल सकते हैं।